मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो कल हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर 11 का रिमेनिंग पार्ट, जो पीएल सीरीज पढ़ाया था, 38 पॉइंट का रिमेनिंग है ये। अब जो हम पढ़ाएंगे उसी का, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, एज ए सर्कल इज रिटन इनसाइड द हुक ऑफ द पीएल सीरीज, यानी कि हुक के अंदर एस आता है तो उसको आप पहले बनाएंगे, बाद में हुक बनाएंगे एज ए डायरेक्शन, जैसा कि डायरेक्शन स्ट्रोक्स का होगा। तो पहला वर्ड है, जैसा हमने पहले लिखा हुआ इसमें, सप्लाई। अगर आप डैश में इंडिकेट कर सकते हैं सप्लाई लिखना है तो सप्लाई, क्योंकि ई का साउंड है तो इसे हाविंग भी करना है आपको, यानी यहां भी हाविंग करना है। स्प्लिट, स्प्लिट जो है इसमें भी देखिए ई का साउंड है तो हम इसे थ्रू दी लाइन लिखते हैं, क्योंकि इसमें टी आ गया है तो हाविंग से रिलेटेड चैप्टर से वर्ड है, तो हाविंग की वजह से हम क्या करेंगे, थ्रू दी लाइन तो नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी हाविंग है, तो स्प्लिट में भी आपको थ्रू दी लाइन ही लिखना है, सॉरी ऑन दी लाइन ही लिखना है। तो यहाँ पे ही आपको लिखना है, थोड़ा सा बड़ा बना रहे ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्प्लिट, और नेक्स्ट वर्ड है सेटल। सेटल में भी देख सकते हैं आपका पूरा डबल टी है फिर एल भी है, तो आप इसको चाहेंगे तो पूरा बनाएंगे, क्योंकि होपी शो करना है हमें, ये सेटल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है सेटल, तो डी आ गया तो हाविंग करना होगा, इसलिए आधा आपको बनाना है, जैसे ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्प्ले, सॉरी पॉसिबल। पॉसिबल क्या है, फर्स्ट प्लेस में है, तो पी हमारा यहां बनेगा और सर्कल को बनाते हुए ये हुक भी आपको शो करना है, ये हुक भी है सर्कल भी है और एल का हुक भी है। अब डिस्प्ले में भी देख सकते हैं थ्रू दी लाइन होगा, क्योंकि यहां हो गया डिस्प्ले, ऐसे बनेगा, अगर चाहेंगे तो वॉयल इंडिकेट कर सकते हैं। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज में क्या है, सर्कल भी है सीएल यानी कि हुक भी है, जिसको हम आप पढ़ा रहे हैं, तो पहले हमें डिस लिखना है और इस तरह से डिस्क्लोज लिखना है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी अब यहाँ पे हमारा कुछ वर्ड और रह जाते हैं इस चैप्टर में, जिसे आप खुद ही बनाएंगे इस रूल्स के अकॉर्डिंग। अब आता है शॉर्ट फॉर्म, इस चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म है 38 पॉइंट नंबर का, जैसे पीपल है, बिलीफ है, टेल है, टिल है, तो पीपल ऑन दी लाइन लिखना है कि थ्रू दी लाइन लिखना है, इसको आपको ध्यान देना है, साउंड से ही आपको पता चल रहा है क्योंकि ई का है, बिलीफ में बी बनेगा क्योंकि पी और बी में डिफरेंस है ये डार्क और लाइट का, तो बिलीफ में बी और का ये हो गया डार्क में। टेल ऑन दी लाइन होगा, टील जो है थ्रू दी लाइन होगा, यानी कि ये आपको जरूर देखना है कि ऑन दी लाइन है, ऑन थ्रू दी लाइन है, अबव दी लाइन है। नेक्स्ट है वर्ड डिलीवर, डी है, डी के साथ आपको एल को जोड़ देना है, डिलीवर में ध्यान देना है कि ये ऑन दी लाइन है कि थ्रू दी लाइन है, तो ये हमारा ऑन दी लाइन है। अब डिलीवर, डिलीवर्ड दोनों की आउटलाइन सेम है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कॉल है तो देखो भी लाइन हो गई, ये कॉल हो गया। कॉल्ड है तो देखिए यहाँ पे हाविंग हो रहा है, तो कॉल्ड में आपको ये ध्यान देना है कि हाविंग भी है तो बस एवं भी लाइन बनेगा, इसका आधा बन जाएगा, ये हाविंग होगा। इक्वल और इक्वल में आपको ध्यान देना है। अब इक्वल जो वर्ड है पूरा, अब ऑन दी लाइन बनाना है कि एवं दी लाइन बनाना है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ई का साउंड है तो ऑन दी लाइन ही होगा। इक्वल थोड़ा सा हाविंग हो जाएगा, बस छोटा सा बनेगा। कोल्ड जो है और बिल्ड, इक्वल कोल्ड सेम आउटलाइन है, कोल्ड की भी बस ये ध्यान देना है कि कोल्ड जो है हमारा ऑन दी लाइन है थ्रू दी लाइन है, आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि इक्वल और इक्वल की और इक्वल तीनों का या कोल्ड का आउटलाइन सेम ही है, इस पे बस चाहेंगे तो आपको यहां बना सकते हैं। अब आप
बिल्ड और बिल्डिंग, ठीक है, दोनों की सेम आउट है। अब बिल्ड और बिल्डिंग में हैविंग भी इंक्लूड है, तो बिल्ड और बिल्डिंग में क्या करना है कि हैविंग करना है यानी छोटा बनाना है, ये हो गया। बिल्डिंग का भी सेम है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यहाँ पे कुछ भी इंडिकेट करके बना सकते हैं। इस चैप्टर का फ्रेजेस कुछ है, जो पहला है एट ऑल, बाय ऑल, आई बिलीव, एबल टू। तो इसमें भी ध्यान देना है कि एट ऑल ऊपर बनेगा यानी अबव द लाइन बनेगा, ऑन द लाइन बनेगा या थ्रू द लाइन बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। एट ऑल हमेशा ऊपर होता है, बाय ऑल भी ऊपर ही होगा क्योंकि आई का है। आई बिलीव में ध्यान देना कि आई का और बिलीव का आपको ये ध्यान देना है कि थोड़ा सा डिफरेंस करना है कि आज लीव हो गया, एबल टू छोटा सा बनेगा ऑन द लाइन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 का पीएल सीरीज का एस सप्लाई, जिसे वर्ड थे जिसमें कि इनसाइड द कर्व के अंदर आपको एस सर्कल को कंबाइन करना था, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके प्लीज हमें बताइए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसमें क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।